अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स वी स्टार्ट अनदर इंटरव्यू ऑफ ए जेंटलमैन कैडेट। ओके जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ई सर्जन पाकिस्तान नेवी आई एफ टू सिस्टर। माई एम इज टू बिकम अ जी डी वी पायलट। I my hobby is to video editing and animation. Who is your favorite personality? My favorite personality is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, aapka favorite player? Sir Messi. Kaun si team se khelte hain? What is your favorite subject? Sir, science. Science. What is the function of nervous system? Sir, nervous system is system in body which send message. Okay. If the cost price of a shirt is 600 rupees and there is a 10% profit, what will be the sale price? Sir, 660. अम्मी अब्बू में कौन ज्यादा पसंद है? सर दोनों पसंद है। कितने बहन भाई हो? सर दो बहने हैं। वो किस किस क्लास में पढ़ते हैं? सर एक 5 में पढ़ती है और एक 2 में पढ़ती है। आप सबसे बड़े भाई हो? जी। तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी तो ज्यादा होगी। यस सर। घर में पढ़ाई के अलावा और क्या क्या काम कर लेते हो पेरेंट्स के लिए? सर जो बाहर से जितना सामान लाना होता है सारा मैं लाता हूँ। जब पेरेंट्स जाते हैं घर से बाहर, कोई प्रॉब्लम हो या फिर ऐसे उनको कोई सामान वगैरह खरीदना हो तो बहनों की हिफाजत घर में मैं करता हूँ अकेले। ठीक है, कितने दोस्त हैं आपके? सर 3 दोस्त हैं। कैसे दोस्त रखने चाहिए? सर अच्छे दोस्त रखने चाहिए। वो दोस्त नहीं रखने चाहिए जो वक्त जाया करते हो, पढ़ाई में ध्यान ना देते हो, छोटो बड़ों की जिनको तमीज ना हो। कभी दोस्तों से लड़ाई हुई है? नो सर। सम ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। सम ड्यूटीज ऑफ गुड सिटीजन आर दैट गुड सिटीजन मस्ट बी अ हार्ड वर्कर। ही मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हिज सोसाइटी। ही मस्ट बी काइंड टू द एल्डर्स एंड स्मॉलर एंड ही शुड always stand by his country in hard work in hard times. Acha, aap log abhi gaon pe ho? Yes sir. Parent bhi saath hai? Yes sir. Okay, aapka favorite teacher kaun hai? Sir Shahrukh. Okay, aapke father ki income kitni hai? Sir 80,000. 400 का 60% कितना होगा? सर 240। अगर एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीस और 20% प्रॉफिट हुआ तो सेल प्राइस कितनी होगी? सर 240 रुपीस। और अगर 200 ही मार्क प्राइस है और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है तो फिर सेल प्राइस कितनी होगी? सर फ्री में मिल जाएगी। सिंध का गवर्नर कौन है?
सर इमरान इस्माइल। केपीके कब? शाह फरमान। आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो? सर कराची। तो आप गांव गए हुए हो, गांव का नाम क्या है? सर अवानाबाद। ये कहाँ पे है? सर अटक में। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिस्टम इन आवर बॉडी व्हिच सर्कुलेट्स ब्लड एंड द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू द सेल्स। हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी? सर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल की उम्र में इस दुनिया से रहलत फरमा गए? तो 65 ईयर्स। नो, 63। ऑस्ट्रेलिया की सिटीज के नाम बता दो। कैनबेरा, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, मेलबर्न। आपके अब नेवी में है तो आप नेवी में क्यों नहीं जाना चाहते? आप नेवी में भी तो पायलट है, जहाज भी है, पीएनएस मेहरान में। सर वो जहाज हैं लेकिन वो दूसरे जहाज हैं जो कि समुंदर पर काम करते हैं। जैसे अगर समुंदर पे कोई रेस्क्यू मिशन हो तो वो जहाज फिर वहां जाकर रेस्क्यू करते हैं, और वो जीडीपी नहीं बनाते जिस तरह फाइटर पायलट एयरफोर्स बनाती है। दोस्तों के साथ लड़ाई करते हो? नो सर। कभी खुद लड़ाई शुरू की है? नो सर, मजाक मजाक में बस शुरू कर देते हैं। आपको पाकिस्तान में क्या मसाइल नजर आते हैं? सर करप्शन, नाख्वानदगी, बेरोजगारी, अकराबा परवरी, लोड सेटिंग। कन्वर्ट इनटू डेसिमल, 3 डिवाइडेड बाय 2। सर 1.5। 2 लाइंस ऑन नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वाज द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वाज द ओल्ड या वाज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 3 टाइम्स। ही डिड वेरी ही बिल्ड मेनी थिंग्स इन पाकिस्तान। लाइक सर रोड्स बनाए थे, हॉस्पिटल्स ओके, बने थे थोड़े। ये थोड़ा का लफ्ज मैंने कहा था इंटरव्यू से निकालना है, ठीक है? ओके सर। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री? तो 60 डिग्री। आड़े हाथों आना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? पकड़ में आना। व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम? पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। इट इज एट नंबर वन रैंकिंग इन T20। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वॉन 10 T20 सीरीज इन अ रो, विच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। द पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज ऑल्सो नोन एज द यंग गन्स। क्या आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे? यस सर, इंशाल्लाह ताला मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जा रहा है, और सर मैंने पेपर्स भी बहुत अच्छे हुए हैं, और सर मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। आप पिछली दफा क्यों सिलेक्ट नहीं हुए थे? सर पिछली दफा मैं इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि सर तब मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था, इसलिए। आपका रिटन टेस्ट पास था पिछली दफा? नो सर। ओके, अपने पसंदीदा दोस्त का नाम बताएं, अली कैसर। उसकी खूबियां बताएं। सर काइंड है, हार्ड वर्कर है, हेल्पर है। अपनी खामियां बताएं। सर घर से इतना बाहर नहीं निकलता, थोड़ा लेट जागता हूँ। पहला निशाने हैदर किसको सर मिला? थोड़ा लेट। कैप्टन मोहम्मद सरवर। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? सर जिसके असरात बुरे हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सर अगर एक बम ब्लास्ट होता है तो सर वो नेगेटिव है क्योंकि उसके असरात बुरे होंगे, वहां तबाही होगी, डिस्ट्रक्शन होगी। आपको गुस्सा किस वक्त आता है?
सर जब पेपर अच्छा नहीं कर पाता। स्कूल में कौन सी पोजीशन आती है? स्कूल फर्स्ट सेकंड थर्ड। स्पीच ऑन सीपेक। सीपेक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट इज अ कॉरिडोर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान फॉर ट्रेडिंग। द मेन पर्पज ऑफ सीपेक इज टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। CPEC was started in 2015. Its length is 3,218 kilometer. The main part of CPEC is in Pakistan and small part of CPEC is in China. Not only China and Pakistan but also countries like Afghanistan and Iran are getting benefits from CPEC. The amount of CPEC is $70 billion. अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाए तो आप क्या करेंगे? सर अगर मुझे एक दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाए तो मैं जितने भी नाहल लोग हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे उनको वहां से हटा कर अहल लोगों को बिठाऊंगा। 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करें। सर 0.75। 3/4 परसेंटेज में कितना होगा? 75%। ओके ओके सर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? सॉरी सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाउंड्री का नाम? सर ड्यूरम लाइन। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन, आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि हम आपको एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट करें? सर नेवर गिव अप। वेल डन बेटा, बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं अल्लाह आपको कामयाब करे। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पिछले इंटरव्यूज के मुकाबले में, मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। वेल डन, आपका मैथमेटिक्स पिछले इंटरव्यूज में काफ़ी वीक था लेकिन इसको आपने अच्छी तरीके से ओवरकम किया। ये इंटरव्यू बार बार लेने का यही पर्पज़ होता है कि आपका अगला इंटरव्यू पिछले इंटरव्यू से बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।